बम बम बोले तो ये राइड हो गई हमारी शुरू, टैंकी करवा दी हमने फुल। तो अभी निकल रहे हैं हम मनी महेश के लिए। मौसम अभी कुछ बोल नहीं सकते मौसम के बारे में। तो ये मैं, रोहित, राघव, हम हो गए हैं तैयार। तो बाकी जो है अभी आ रहे हैं, तो अभी इनको मिलेंगे हम आगे। तो चलो चलते हैं बम बम। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पोंग डैम के नज़ारे। तो ये आगे राघव चला हुआ है और पीछे मैं चला हूँ, और बाकी बंदे हमारे आगे निकल गए हैं एक दो। तो ये देख सकते हैं इसमें पूरा पानी भरा होता है, लेकिन अभी जो इसका लेवल है वो काफ़ी नीचे है। तो आगे जाके ये पूरा ऊपर ऊपर तक भर जाता है और इनको गेट खोलने पड़ते हैं इसमें। तो मैं और राघव भी जा रहे हैं अभी, तो और इसके बाद जा रहे हैं अभी हम बाथू की लड़ी। आपको बाथू की हम आए हैं सुबह सुबह बाथू की लड़ी में। तो ये वेलकम टू पोंग डैम। तो ये अभी हम बाथू की लड़ी में पहुंच गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, काफ़ी दूर दूर तक कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी जगह पानी में भरी होती है। तो यहाँ पर एक फसल लेते हैं ये, तो ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक दिखाई देता है। और ये सारे यहाँ पर बाँस के पौधे लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी क्वांटिटी में लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और ये रोड गंदा ही है यहाँ पे, तो ये सारा रोड टूटा ही हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह आ जाता है, तो इस करके यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है अभी तक। तो ये सारा रोड ऐसे ही मिलेगा आपको, कच्चा रोड ही है। वैसे रोड बना है लेकिन कच्चा रोड है, अगर बारिश वगैरह हो तो काफ़ी कीचड़ होता है यहाँ पर। तो बस अभी हम आधा पौना किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो वो सामने है वैसे तो। तो ये मैं आ गया और राघव भी आ गया। अच्छा, तो ये अभी हम इंस्टा 360 से कुछ शॉट ले रहे थे। ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक नज़र जा रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम प्लेन एरिया है ग्राउंड। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, प्रभात जी खाना ले आए हैं, अब खाना ये रेडी कर रहे हैं, लगा रहे हैं खाना। तो प्रभात का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो दिखाते हैं आपको क्या लेके आए हैं भाई साहब। पूरी, चने, हलवा। मम्मी ने बहुत ध्यान रखा हुआ बच्चे का कि बच्चा हमारा भूखा ना रह जाए। हमारे रोहित सर भी पूरे आसे लगा के बैठ गए हैं। तो ये देख सकते हैं अभी मनीष को इसका भार लग रहा था, बोलते पहले खाने खा लो उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो भम भम भोले की फौज करेगी मौज। तो यहाँ पे खाना खाने का नज़ारा ही कुछ और है, खुले आसमान के नीचे। तो अभी आगे हम जोत वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो ये जोत वाला जो रास्ता है काफ़ी मतलब डेंजरस रोड है, ये सिंगल रोड है और मोड़ काफ़ी हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी देख सकते हैं जंगल सारे बुरी तरह से जले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी आग लगी हुई है, क्योंकि आग इस बार सारे जंगलों में लगी हुई थी, तो इस करके हर तरफ सूखा ही पड़ा हुआ है। लेकिन अभी बारिशें बताई हुई हैं, तो अगर बारिशों में देखते हैं क्या होता है। तो ये देख सकते हैं रोड आप, पहाड़ी है एक तरफ और दूसरी तरफ खाई है, तो काफ़ी ख़तरनाक रोड है। लेकिन ये है कि यहाँ पर रश थोड़ा कम है अभी, तो इतना दिक्कत नहीं आ रही है। मोड़ ही मोड़ हैं पूरे रास्ते में, और आगे चढ़ाई आएगी, तो यहाँ पे हॉर्न का यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये देख सकते हैं इकट्ठी गाड़ियाँ आ गई हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सब्ज़ी बेच रहे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल पानी मिलेगा आपको, मिनरल वाटर। तो ये पहाड़ों से निकल के आता है डायरेक्ट पानी, एकदम शुद्ध शाकाहारी। आगे सुनो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्लाइडिंग हुई हुई है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये डंगे वगैरह दे रहे हैं रोड के किनारे। तो ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हुए हैं। तो ये सारा रोड यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है जब बारिशें होती हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं ऊपर से, कई बार गाड़ियाँ भी डैमेज। ये काफ़ी ख़तरनाक उतराई है, अभी उतराई शुरू हो गई, आप देख सकते हैं पूरी उतराई है। और ये सामने का सीन देख सकते हैं आप, कितना अच्छा वेदर लग रहा है यहाँ पे, और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी आ रही है यहाँ पे।
तो ये रोड ऐसे ही है, आगे जाके अभी हम चंबा पहुंच जाएंगे, फिर चंबा के बाद आपको, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नया रोड बनाया गया है, तो ये अभी फिर से स्लाइडिंग है, यहाँ पे काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये रोड सारा साफ़ होगा अभी, तो PWD वाले लगे हुए हैं अभी इस रोड को ठीक करने के लिए, तो ये नया रोड बनाया हुआ है सारा ही इन्होंने, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और ये आप वेदर तो अमेजिंग है यहाँ का। तो ये हम सब पहुँच गए हैं अभी। हाँ जी भाई साहब, थके तो नहीं अभी? ना ना अभी बिल्कुल नहीं। हाँ जी भाई साहब, नहीं भाई थके नहीं, ये थक गया है थोड़ा, लग रहा है ढीला है, ठीक है अभी। तो ये भाई साहब भी पहुँच गए हैं, तो ये हमारा जट तो सब ओके हैं अभी तक तो? ओके, बिल्कुल ओके भाई साहब, आप ओके रिपोर्ट है आपकी भी। तो ये देख सकते हैं यहाँ का वेदर एकदम चिल्ड मौसम है यहाँ पे। तो ये जोत में एक रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, और यहाँ की जो प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया है, तो हम हर बार यहीं पे खाते हैं, कुछ भी आप मोमोज़ खा लो, फ्रेश फूड मिलता है यहाँ पे, फास्ट फूड मिलेगा आपको, खाना खाना है तो खाना भी मिलेगा आपको, तो अगर आप आएँ तो ज़रूर यहीं पर खाना खाएँ। तो ये जोत में वो घर हैं जहाँ पर गदर मूवी की शूटिंग हुई थी, तो यहाँ पर जो अमरीश पुरी की बेटी थी वो यहीं पर रुकी थी, शकीना, तो यहाँ पे जो रुकने के लिए उन्होंने गहने मांगे थे उनसे, तो ये वही है। तो ये अभी हम जोत से निकल गए हैं, तो ये प्रभात और मनीष स्प्लेंडर पे चले हुए हैं, देखिए एक बैग पीछे लगाया है और एक साइड में पकड़ के चले हुए हैं, तो पूरा इंटरटेनमेंट हो रहा है इनका, और ये आगे रोहित जा रहा है पल्सर लेके, दो बंदे और स्प्लेंडर में जाना है तो रिस्क वाला काम ही है, लेकिन ये जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं रोड एकदम मस्त बन गया हुआ है, सारे रोडों के ऊपर लुक वगैरह डली हुई है फ्रेश। तो ये अभी उतरा ही रहेगी चंबा तक, तो यहाँ पे एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिट्ठू आ गया है, तो ये अभी राघव आगे है कि पीछे ये पता नहीं, लेकिन देख सकते हैं मज़ा आ रहा है पूरा, और कोई धूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वेदर एकदम अल्टीमेट है। तो ये फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं चंबा मार्केट में, तो ये टाइम हो गया है 4:30 बजे, तो 4:30 बजे हम पहुंच गए चंबा में, तो ये मेन मार्केट है चंबा की, तो यहाँ से जो रोड जाता है अगर हमने वाया पठानकोट जाना है तो ये रोड यहाँ से हो जाता है, ये हम जोत वाले रोड से यहाँ मिलते हैं दोनों रोड। तो यहाँ भी मौसम ठीक है, कोई धूप नहीं है, यहाँ भी वेदर काफ़ी अल्टीमेट है यहाँ भी। तो ये हम सारे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही है, और ये हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे जो पीछे रह गए हुए हैं, तो ये अभी हम तीन जाने हैं, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका जो पीछे रह गए हुए हैं, तो हम यहाँ रुक गए अभी। तो ये अभी हम चमेरा डैम क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप सामने, तो ये लोहे का ब्रिज बनाया हुआ, और ये सामने चमेरा डैम के गेट्स हैं, तो ये जब ज़्यादा पानी रहता है तो इनको खोल दिया जाता है ज़्यादा। तो ये अभी हम इसको क्रॉस करके अभी जो रास्ता है आगे सिंगल हो जाएगा, एक तरफ डैम होगा और एक तरफ पहाड़ी है, तो इसके साइड साइड में से हम जाएंगे, रोड निकला हुआ है, तो ये देख सकते हैं रोड की हालत, तो काफ़ी खड्डे हैं यहाँ पे, और ये बरसात करके काफ़ी रोड टूट जाता है ये, तो ये सारा रोड अभी हमें टूटा ही हुआ ही मिलेगा, धूल मिट्टी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शीतल जल पिया जाता है, साफ़ सुथरा पानी पीते हैं यहाँ पे, पी भी सकते हैं पर उतर कोई नहीं रहा, तो उतरते हैं अभी पीने के लिए। तो ये भाई साहब की किटें नहीं सेट हो रही हैं, तो ये पता नहीं कैसे बंद कर रहे हैं, बहुत ख़तरनाक तरीके से बंद कर रहे हैं, क्या हुआ है, चाबी नहीं काम कर रही है इसकी, चाबी काम नहीं कर रही है इसकी, मनीष जी की बाइक है ये, तो ये डायरेक्ट गेट डाल के बंद कर रहा है इसको, पता नहीं कैसे कैसे पहुंचेंगे भी वापस या नहीं, भोले की बाबा करेंगे, भोले की खोज करेगी मोर, तो ये देख सकते हैं आप चंबा से आगे जो भरमौर के लिए रास्ता है चमेरा डैम से आगे, तो एक तरफ पूरी खाई है और एक तरफ पूरा पहाड़ है,
तो ये बारिशों में ये मौसम जब होता है तो ये स्लाइडिंग काफ़ी होती है इस रोड पे, तो काफ़ी डेंजरस रोड है। तो यहाँ पे बंदे को ध्यान से चलना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से चलो और हॉर्न बजाते चलो मोड़ों के ऊपर। तो ये देख सकते हैं काफ़ी गहरी खाई है नीचे और सिंगल रोड है ये, तो अभी तो बारिश नहीं है तो इस करके सूखा है। अगर बारिश हुई होती तो साइड में काफ़ी फिसलन भी होती है यहाँ पे, और पानी चल रहा है नीचे, ऊपर से आ रहा है सीधा पानी पूरा। तो आराम से चलो और ध्यान अपना आगे रखिए, बाकी आप देख ही सकते हैं रोड कैसे हैं यहाँ के। तो ये देख सकते हैं स्लाइडिंग करके यहाँ पे रोड कच्चा ही रहता है, जब मर्जी बना लो तो ये बारिशों में ये रोड टूटा ही रहता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता है। तो ये देख सकते हैं पत्थर हमारे ऊपर हैं और हम पत्थरों के नीचे से जा रहे हैं, कितने डेंजरस रोड हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में। इस करके सेफ ड्राइविंग करें यहाँ पे, और पत्थर ही पत्थर हैं सड़क में सारे और कच्चे हैं, सड़क पूरी डैमेज हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा स्लाइडिंग एरिया ही है, तो लैंड स्लाइडिंग होती ही रहती है यहाँ पे, तो हर बार नए रोड बनते रहते हैं और स्लाइडिंग होती रहती हैं। फ़िलहाल अभी मौसम यहाँ पे ठीक है, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ना बारिश है ना धूप है। तो ये देख सकते हैं आप ब्रिज, पहले वो नीचे पुराना वाला ब्रिज है जो लकड़ी का ब्रिज बनाया गया है, और ये ऊपर लोहे का ब्रिज बनाया गया है। तो काफ़ी पैसा खर्च करती है यहाँ पे गवर्नमेंट, हर हर महादेव बम बम बोले। तो ये देख सकते हैं ये ब्रिज भी नया बनाया गया है, लोहे का ब्रिज है ये, क्योंकि यहाँ पे भी रोड का कोई नामो निशान नहीं है, तो इस करके ये लोहे का ब्रिज यहाँ पे बना दिया गया हुआ है, ये इस बार नया बनाया गया है। और रोड का आप फिर से हाल देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ से टनल निकाली हुई है, तो ये टनल में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो ये टनल हम पूरा लाइट्स ऑन करके गए थे अभी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, इसमें लाइट्स लगी हैं लेकिन इतना ज़्यादा लाइट्स अंदर काम नहीं कर रही हैं, तो अंधेरा ही है हर। तो ये निकल गए अब हम बाहर, तो बाहर का व्यू, तो ये देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं रोड में विकेटें रख के। ज़्यादा रश तो नहीं है यहाँ पे, गाड़ियाँ यहाँ पे रोड पे ही रहती हैं खड़ी सारी, क्योंकि सिंगल रोड है और जगह उतनी ही है यहाँ पे, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। तो ये हमने यहाँ से टर्न कर लिया, अभी हम इसको क्रॉस करके ब्रिज से भरमौर वाले रोड पे चले गए हैं अभी हम। तो ये ब्रिज भी देख सकते हैं आप, ये पानी का लेवल काफ़ी ऊपर होता है इससे, अभी हम इसको ऊपर चढ़ेंगे पूरे पहाड़ के ऊपर। बम 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 जय भोलेनाथ, बम बम भोले। बोलो ना। तो ये चढ़ रहे हैं अभी हम बरवाणी माता की चढ़ाई, तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है। तो ये फाइनली हम पहुंच गए हैं बरवाणी माता। तो ये भाई हमारा हर बार यहीं पे होता है, तो इस भाई के पास आके रुकें, भरमौरी कॉटेज, भरमौर एडवेंचर, भरमौर एडवेंचर के नाम से है भाई का। तो मतलब टेंट्स वगैरह भी हैं और कॉटेज भी बनाई है भाई ने बढ़िया करके, तो खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। तो बरवाणी माता में ऊपर आएँ और यहाँ पर आके स्टे करें। तो बाकी हमारी पलटन, तो ये हमारी पलटन के हाल देख सकते हैं आप, पूरे आराम बहुत खुश है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो रजाई लेके सोना पड़ेगा। आग अभी बंद हो गई है, तो आग यहाँ पे आग सेकनी पड़ रही है, इतनी ठंड है यहाँ पे। तो भाई ड्राट ले आ यार, भाई पूरे मजे वाले गाने लगाए हुए भाई ने, हाय हाय हाय। तो ये भाई साहब डुबकी नहीं मार रहे हैं, मारो मारो भाई साहब डुबकी मारो जल्दी से, हर हर गंगे। मेरा प्यार किसी की, फटाफट वो नहीं,
तो आज यहाँ पे जागरण हो रहा था जब हम पहुँचे, तो आज यहाँ पे जगराता है और यहीं पे धाम भी है, धाम का प्रोग्राम भी है, तो आज हम यहीं पे धाम खाएंगे। तो ये गांव वाले आके यहाँ पे जगराता करते हैं। तो यह भरमाणी, जय माता रानी। तो ये रात को हम आके नहाकर माता रानी के दर्शन करने के लिए भरमाणी माता पहुँच गए। तो ये अभी हम यहाँ पे माथा टेक के यहाँ पे चावल खाएंगे, उसके बाद फिर जाके सोएंगे। जय माँ भरमाणी, सबको खुशियाँ दो। जय हो, जय हो, जय हो, भम भम भोले। जय भरमाणी माता, हर हर महादेव। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ। जय शिव शंकर भोलेनाथ, बम बम।